दोस्तों ये है जी मीनारा कुआलालंपुर या कुआलालंपुर टावर। इसकी हाइट तकरीबन 421 मीटर है और आज हम इसका दौरा कर रहे हैं और आपको दिखाऊंगा कि ऊपर से इसकी क्या नज़ारे हैं। और इसके टॉप पे एक स्काई डेक बना हुआ है। हमारा टारगेट है कि हम स्काई डेक पर जा सकें। ऑब्जर्वेशन डेक भी है लेकिन थोड़ा सा महंगा है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। यहाँ के जो टिकट्स हैं वो भी मैं आपको थोड़ी सी जल्दी से गाइड कर दूँ। इसके तीन चार पैकेजेस हैं। एक स्काई डेक की जस्ट वॉक है जो कि बिल्कुल टॉप पर है और हमारा भी मूड ये है कि हम वहाँ उसी पर जाएंगे, लेकिन उसके जो टिकट है वो 38 रिंगेट की है पर पर्सन, जबकि अगर आपने ऑब्जर्वेशन डेक भी इसमें इंक्लूड करना है तो वो 57 रिंगेट तक बात चली जाती है। और अगर इसके अलावा सिंपल आपने 100 मीटर तक की वॉक करनी है, यहाँ पर एक और कॉरिडोर बना हुआ है 100 मीटर का, वो आपको 360 एंगल पर वॉक कराता है। अगर आपने वो करना है तो फिर आपको उसके लिए 7 रिंगेट बच्चों के लिए, जबकि बड़ों के लिए उसके हैं 13 रिंगेट, वो आप डिपेंड करते हैं। लेकिन आई एम एक्साइटेड कि देखते हैं कि ऊपर से कुआलालंपुर का नज़ारा कैसा है। ये तकरीबन टावर आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन दुनिया में 7वें नंबर पर हाइस्ट टावर है। तो हम 350 मीटर से ज़्यादा की हाइट के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन डेक जो कि KL टावर या मीनारा KL, इसके ऊपर हम कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स KL की हैं वो नीचे आपको बहुत छोटी बोनी बोनी सी नज़र आ रही हैं। हालांकि ये सारे बिल्डिंग्स काफ़ी हाइटेड बिल्डिंग हैं, काफ़ी ऊँची बिल्डिंग है, लेकिन चूँकि टावर है इसे कम्युनिकेशन टावर या टीवी टावर भी कहते हैं। और इसके अंदर रिवॉल्विंग होटल है ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हम ऊपर नहीं जा सके जो कि इसका मेन डेक है, स्काई डेक जिसे बोलते हैं। इसकी वजह यह थी कि आज यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट की वजह से हम उधर नहीं जा सके और वो बंद है आज, लेकिन वो इससे भी हाइट के ऊपर है। ये सामने आप देख सकते हैं कि KL टावर्स हैं, दो इसे KLCC टावर्स कहते हैं। और इसके साथ से जितना भी ये एरिया है जिसे हम डाउन टाउन मेन डाउन टाउन कहते हैं, लेकिन टाउन इसी साइड पर है इस टावर के बिल्कुल दूसरी साइड पर। और इसी तरीके से अगर आप वो देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी आबादियाँ भी हैं मौजूद हैं। ये है जी मर्देका टावर जो कि दुनिया की इस वक्त दूसरी हाईएस्ट बिल्डिंग है, और जो दुबई के जो खलीफा टावर हैं उसके बाद ये बिल्डिंग है। और ये कि अभी आई थिंक ये लास्ट वीक ओपन हुई है ये बिल्डिंग, सितंबर अगस्त में आई थिंक ये ओपन हुई है, लेकिन अभी भी इस पर काम चल रहा है। और इसकी तकरीबन 118 फ्लोर हैं, विच मीन्स ये ऑलमोस्ट 700 मीटर आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसकी हाइट है। और ये साइड पर अगर आपको दिखाऊँ ये वो एरिया है जहाँ पर आपको ग्रीन बेल्ट नज़र आ रहा है, जंगल नज़र आ रहा है। ये यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द का एरिया जहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और ये दुनिया की वो सारी बिल्डिंग्स है जहाँ पर इस तरह का कम्युनिकेशन टावर या टीवी टावर्स होते हैं। यहाँ पे टोक्यो के जैसे 634 मीटर का ये टावर है, ऐसे कैंटन
चाइना के अंदर गोंगजू में है 600 मीटर टावर, और सीएन टावर है टोरंटो के अंदर, ये भी देखा हुआ है मैंने, टोरंटो वाला टावर सबने टीवी पे भी देखा हुआ। ऑस्टन किनो टावर जो कि मॉस्को में है 540 मीटर का, ओरिएंटल टावर शंघाई चाइना के अंदर 468, और ये मिलाद टावर है ईरान के अंदर। इंटरेस्टिंग, आई नेवर न्यू कि तेहरान में भी ऐसी हाईएस्ट बिल्डिंग मौजूद हैं 435, और मीनारा कुआलालंपुर, ये जी ये वो टावर है जहाँ पर सब मौजूद हैं, और इसकी हाइट है 421 मीटर। लेकिन इस वक्त हम ऑब्जर्वेशन डेक पे हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि वो ये वाला डेक हो सकता है जिसकी हाइट इस वक्त 350 मीटर के करीब है। और इसी तरीके से ये चाइना में काफ़ी टावर हैं, चाइना तियानजिन में भी एक तियानजिन टीवी टावर है, सेंट्रल रेडियो एंड टीवी टावर बीजिंग 405 मीटर, कीव यूक्रेन में 385 मीटर का है, और ताशकंद में भी एक ऐसा टावर है। ये सारे एक जैसे टावर हैं। कोलंबो में भी एक बना है, आई विश कि उसका नाम यहाँ पर होगा कोलंबो में, लेकिन वो टावर मैंने तो देखा हुआ है जो कि बिल्कुल नया है, चाइना ने वो बनाया है, लेकिन वो यहाँ पर आई थिंक उसने डिस्प्ले नहीं किया हुआ अभी तक। अलमाते में है, जैसे कुवैत सिटी में एक टावर है, रीगा टावर है लेटविया में, बर्लिन में ये वाला देखा है जी टावर मैंने 368 आई थिंक के, फर्स्ट टीवी टावर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई देखा था तो वो ये बर्लिन वाला टावर था, और देन मीनारा अलोर किदा, किदा में भी ये एक टावर है मलेशिया का, कदा जहाँ पर लंकावी है 165 मीटर। जी तो दोस्तों मैं आपको क्विकली रिव्यू दे दूं कि ये जो ऑब्जर्वेशन डेक का हमने टूर किया कुआलालंपुर टावर का, वो इंतहाई 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 बेकार, ऐसा बेकार मैं कहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में मैंने जो था ना इतना बेकार ट्रिप नहीं किया होगा, इतना बेकार किसी का एडवेंचर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टावर में तो तस्वीरें भी अच्छी नहीं आ रही थी, लाइट बेताशा थी बाहर की तरफ, और अंदर उन्होंने प्रॉपर लाइटिंग नहीं की हुई थी, और ना ही कोई इस तरह की जगह बनी हुई थी जहाँ से आप क्लियर व्यू देख सकें और बिल्डिंग्स के सामने खड़े होकर तस्वीरें अच्छी सी बना सकें। तो मैं आपको कभी भी ऑब्जर्वेशन डेक अगर आप यहाँ पर आते हैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप यहाँ पर आएँ तो स्काई डेक ही प्रेफर करें, स्काई डेक या स्काई बॉक्स के अंदर बैठ कर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करें बाहर, अ बिग नो फॉर ऑब्जर्वेशन डेक। मज़ीद अच्छी वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दी क्रेडिबल टाइम्स, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।